Hey guys, welcome back to my channel. तो आज हम जा रहे हैं इंडिया गेट वाले कैंटीन पे जा रहे हैं। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं कूड़ा फेंकने के लिए। बहुत ज़्यादा कूड़ा रखा हुआ है। रौनक गया है स्कूल, बहुत ज़बरदस्त ठंडी हो रही है। फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। कूड़ा फेंकने से निकल रहे हैं, बने रहिएगा, ठीक है ना। तो गाइज हम तो पहुँच गए यहाँ पे। पूरे रास्ते पर इतनी ठंड हुई ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा। हम पहुँच गए, हम बैग लाना ही भूल गए। अब पता नहीं अंदर क्या करेंगे, देख लें। खैर कोई जहरे सामान तो चाहिए ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं है सामान ऐसा कुछ भी। पहुँच गए कैंटीन, मैं इधर थोड़ा शॉपिंग कर लिया जाए घर का। ये रहा हम अब लाइन पे लगे हुए। देखिए कितना लंबा लाइन है यहाँ पे। तो गाइस सामान वगैरह तो हमने ले लिया, अब हम जा रहे हैं घर। रौनक का टाइम होने वाला है। अब इन्होंने कुछ खिलाया भी नहीं, मैंने कहा चलो कुछ खाते हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हल्का मौसम पड़ा हुआ है। ध्यान से तो वही खाएंगे हम घर जाके। देखो पार्क में सब धूप कैसे सेक रहे हैं। सेल लगी हुई है, तो आइए देखते हैं कैसा मिलता है। तेरी तो आने को 500 का अच्छा लग रहा है। आज ही देना है ऑफिस 500। मैंने तो अपने लिए ले लिया है जैकेट एक, रौनक के पापा ने पसंद कर लिया, एक ले लिया। स्कूटी में बैठ के ना ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल है, डर लगता है। कितना अच्छा मौसम है, देखिए कितना अच्छा धूप लगा हुआ है। हम दोनों हवा चल रही है, तो चलिए घर पे ही मिलते हैं। आप पेट्रोल के लिए उतर रहे हैं, ये रहा पेट्रोल भरने के लिए आए हुए। स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, और थोड़ा सा ना टायर भी दिखाना था। धूप में खड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस धूप में खड़ी रहती है थोड़ी देर, क्योंकि धूप है यहाँ पे अच्छी खासी। दिन में तो बहुत ज़्यादा, सुबह तो इतनी तेज़ गर्मी थी कि पूछो मत। खासी अच्छा नहीं लग रहा, कपड़े भी ना कहाँ कहाँ लोग कोट हो गए पता नहीं, ज़्यादा कपड़ा पहनने की वजह से कपड़े ही कपड़ा हो गया। तो अब घर जाके हम राजमा चावल खिलाने वाले हैं। कल से मैंने भिगो के रखा था। जब हम हिमाचल गए थे तो मैंने हिमाचल का लिया था, क्या बोलते हैं पहाड़ी राजमा, तो वही बनाने के लिए जा रही हूँ मैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम लोग आ गए घर, और रौनक बाथरूम में है, और खाना वाना जो भी है गरम कर रहे हैं हम लोग अभी। कल का मोमो बचा हुआ है तो वही मोमो को हम गरम कर रहे हैं, क्योंकि रौनक का ट्यूशन का टाइम हो चुका है। और राजमा को अभी बनाएंगे आराम से, इतनी जल्दबाजी नहीं है, अगर भूख अच्छे से नहीं लगी तो। तो गाइस घर आने के बाद में मैं यहाँ पे अब कुछ ऐसी चीज़ें बनाने जा रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। पहले तो हम कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देते हैं, क्योंकि सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे बिठा देते हैं यहाँ पे। तो ये जो है, जब हम हिमाचल गए थे तो ये देखिए मैं राजमा लाई थी, ये पहाड़ी राजमा है देखिए। तो मैंने इसको दिन में उबाल लिया था, दिन में उबाल के रख लिया था काफ़ी अच्छे से। पहाड़ी राजमा देखिए कुछ इस तरीके का होता है। तो मैं आज पहाड़ी राजमा बनाने के लिए जा रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया, ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो इसको मैं अब मैशर की सहायता से इसको मैश करूँगी। पहले मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी, जब तक हमारा तेल गर्म होता है। मैं यहाँ पे गर्म पानी डालती हूँ, नमक डाल के मैंने इसको बॉईल किया हुआ था। और ये मैशर है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं मैश करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, ये थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि पहाड़ी इलाके में मिलता है ये वाला राजमा।
ये प्लेन इलाके में नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने इतना दरदरा रखा हुआ है, ठीक है, पूरा मैश नहीं करेंगे, इतना दरदरा रखेंगे, ये देखिए। तो चलो चलिए चलते हैं तड़के की तरफ। तेल काफी अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें मैं हींग डालूंगी अब, तकरीबन आधा चम्मच, छोटे वाले चम्मच का आधा चम्मच। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अजवाइन, क्योंकि राजमा जो होता है बहुत हैवी होता है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हींग और अजवाइन का, ठीक है ना। फिर मैं इसमें डालूंगी लहसुन, जिसको मैंने कूट के रख लिया था अच्छे से, और इसको थोड़ा सा हम फैलाएंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी अदरक, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया था। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज और हरी मिर्च, ये रहा मैंने प्याज और हरी मिर्च को काट लिया था। अब इसको ब्राउन होने तक इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो प्याज तो देखिए ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसको गैस को कर देंगे कम। अब हम इसको जो है अच्छे से गलने तक का इंतज़ार करेंगे, जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से गल ना जाए। टमाटर अब बहुत अच्छे से गल गया है, देख लीजिए। अब इसमें डालते हैं थोड़ा बहुत मसाला। तो मसाले में देखिए मैं क्या डालने वाली हूँ, ये देखिए एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला है। तो ये देखिए मैं कितना इंटरेस्टिंग तरीके से बना रही हूँ आज। हम डालेंगे 1 चम्मच और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली, तकरीबन 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी डाल लिया था। अब इसको 2-3 मिनट तक हम इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये काफी अच्छे से तेल अलग हो चुका है और कलर भी देखिए कितना अच्छा रखा हुआ है रेड। तो अब मैं इसमें डालूंगी राजमा, जो बॉईल करके रखा हुआ था। अब इसी कुकर में मैं पानी डाल के इसको इस पे हम डालेंगे अब हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच,
अब इसको पकने छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब देखते हैं, तो काफी अच्छे से उबल गया है ये। ये देखिए ये अब रेडी हो गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉईल किया हुआ था और हमने मसाले को भी काफी अच्छे से कुक कर लिया था। नाउ इट्स रेडी। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालेंगे हम। ये नाइट में बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा छाया आ रहा है। तो ये देखिए अब मैंने डाल दिया इसमें कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब उसके बाद मैं इसको डालूंगी धनिया। धनिया डालने के बाद हम कर देंगे गैस को बंद। इस पर डालेंगे धनिया पत्ता। अब इसको चलाएंगे अच्छे से, फिर करेंगे हम गैस को बंद। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और साथ ही साथ आज का ब्लॉग भी, हम दोनों मियाँ बीवी का जो हम ठंड में बाहर गए थे, तो रेसिपी पसंद आए और हमारा ब्लॉग पसंद आए। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।